नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 31 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहां पे रहेंगे। तो HPU ने जो है वो UG के कुछ एक रिजल्ट जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU UG री अपेयर की जो डेट शीट है वो कब तक आएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो BEd की खाली सीटें रह गई हैं उनको भरने के लिए 2 सप्ताह नंबर से काउंसलिंग जो है वो आयोजित करवाई जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में BEd की खाली सीटों को भरने के लिए 2 सितंबर से काउंसलिंग होगी। 3 सितंबर को भी जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे करवाई जाएगी और इसमें जो है वो 22 से 47 नंबर लेने वाले अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने 2 राउंड के बाद BEd की खाली पड़ी 349 सीटों को भरने के लिए 3रे राउंड की काउंसलिंग जो है वो शुरू कर दी है। इसके अकॉर्डिंग 2 और 3 सितंबर को काउंसलिंग होगी। 2 सितंबर को जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 47 और उससे ज़्यादा है उनको जो है वो बुलाया गया है, जबकि 3 सितंबर को जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में 22 से 46 नंबर तक आए हैं उनको जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने छात्र छात्राओं को जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी दे दिए हैं, ताकि ऑफलाइन काउंसलिंग में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। काउंसलिंग की जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी और इसके साथ सीट मिलने पर जो छात्रों को है वो वहाँ पर 37,056 रुपये जो है वो ऑनलाइन फीस का भुगतान करना पड़ेगा। एक बार आवंटित कॉलेज को 3रे चरण की काउंसलिंग के दौरान जो है वो नहीं बदला जा सकता। डीन एकेडमिक डॉक्टर करण गुप्ता ने बताया कि सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि ये सुनिश्चित करें कि वे आवश्यक जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी साथ ले आएँ। काउंसलिंग के दिन जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं और जो फीस है उसका वहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। काउंसलिंग के स्थान सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो ऑडिटोरियम है वो रहेगा। डॉक्यूमेंट आवेदन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहेगा, इसी के साथ जो रिजल्ट आया है उसकी फ़ोटोकॉपी, 10th+2 की फ़ोटोकॉपी, साथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और इसी के साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो लगेगा। इसी के साथ आधार कार्ड की कॉपी, बोनोफाइड जो है हिमाचल का उसका डॉक्यूमेंट लगेगा और साथ में 2 पासपोर्ट साइज जो यहाँ पे फोटोग्राफ है वो लेके आने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे HPU ने कुछ एक UG के जो रिजल्ट हैं वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे HPU ने जो है वो फर्स्ट ईयर का जो दर्शनाचार्य का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ सेकेंड ईयर का जो दर्शनाचार्य का रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। साथ में ही ज्योतिषाचार्य का फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ साहित्याचार्य का फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी जारी हो गया है। साथ में ही वेदाचार्य का फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी यहाँ पर जो है वो जारी जो है वो HPU ने कर दिया है। इसी के साथ HPU ने व्याकरणचार्य का जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो ये सारे जो स्टूडेंट है वो HPU रिजल्ट वाली वेबसाइट पे जाके अपना यहाँ पे रिजल्ट का जो गजट है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU के जो री अपेयर के एग्ज़ाम होंगे उनसे संबंधित रहेगा। तो HPU री अपेयर की जो डेट शीट है वो कब तक जारी होगी, तो HPU री अपेयर की जो डेट शीट है वो 2nd वीक में यहाँ पे जारी हो जाएगी। जैसे ही ये डेट शीट आएगी या इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। तो दोस्तों, हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट है क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।